हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम केम चो केड़ो वाला है। क्या कहना कि हमारी जिंदगी में हमेशा से ये रहा है कि अब और क्या। तो अब पॉइंट ये है कि कोरोना का समय चल रहा है और मार्केट में है जॉब्स की कमी। तो इस कोरोना काल में हमारे साथ जो ये सज्जन व्यक्ति बैठे हैं, इनकी आई पहली बात तो ऑल इंडिया रैंक 38 CA फाइनल नवम्बर 20 एग्जाम्स में, और वहां पे इनकी गाड़ी नहीं रुकी, इनकी गाड़ी की कंपनी बदल गई। सो इन्होंने ली गाड़ी महिंद्रा एंड महिंद्रा की, और वो भी ऐसी वैसी गाड़ी नहीं, 26 लाख की गाड़ी। तो अखिल जी, आपने जो 26 लाख की बढ़िया गाड़ी ली है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत खुशी हो रही है इस चीज को। पर जैसा आपने बोला कि जब जो प्रेशर बढ़ रहा था आईपीसीसी के बाद आर्टिकल शिप में, एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि जब रैंक आ गई फाइनल की, तो एक दिन तो खुशी हुई, पर जब अगले दिन से लोगों ने बोलना चालू करा कि अब तो जॉब चलकर आएगी, जॉब चलकर आएगी, तो वहां टेंशन बिल्ड हुई, उसका लेवल बहुत अलग होता वो जो प्रेशर है ना कि टू बी द बेस्ट है। अमंग द बेस्ट, दैट इज अगेन जो काफी ज्यादा आप पे टॉल ले लेता है। बिल्कुल। लोगों को भार लगता है कि रैंक लाने के बाद तो बहुत सुकून है, पर जब वो प्रेशर क्रिएट होता है कि एक बार को लगता है कि रैंक नहीं आती तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि कोई दूर का रिलेटिव, बहुत दूर का कोई फ्रेंड, स्कूल की टीचर, सब लोग फोन कर करके बोल रहे हैं अब तो जॉब चल के आएगी, अब तो 20 लाख का पैकेज कहीं नहीं गया, और विद इन यू कोरोना चल रहा है, जॉब इतनी नहीं है, सही बात जॉब की है। जो कॉम्पिटिशन है, तब लगता है कि यार रैंक नहीं आती तो शायद ज्यादा अच्छा होता, इतना प्रेशर तो नहीं होता कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल। पर ठीक है, एनी डे वो जो प्रेशर बिल्डअप हुआ तो कहीं ना कहीं मैं तो ये मानता हूँ भाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो वो फायदा भी हुआ ही है। और अखिल खेमानी जैसे नाम से आपको लग रहा होगा भाई सिंधी है, और मैं भी सिंधी हूँ, तो मुझे एक्चुअली ये जो सीरीज है अब और क्या का स्टार्ट करने के लिए इससे अच्छा पर्सन नहीं मिल सकता था। तो अखिल, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप एक बार लोगों को बताएं कि आपका कैसा रहा पास्ट, इफ स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 12th टिल योर सीए फाइनल जर्नी। हाँ, ऑल द फिगर्स कि कैसे कैसे आपने ग्रो किया। तो आई डिड माई 12th फ्रॉम भोपाल ओनली, फ्रॉम मिठीगो पंजाम पब्लिक स्कूल। सो मेरा 12th में स्कोर था 95%, आई वाज स्कूल टॉपर। फिर वहां से आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, सो थोड़ा सोच विचार करने के बाद आई सैट फॉर सीपीटी इन दिसंबर। सो ग्रेट। इन दैट दिसंबर 2016, इन दैट आई स्कोर 189 आउट ऑफ 200। ओ वाह। तब लगा कि नहीं, तो ये जम रहा है तो ये करना चाहिए। सो देन आई बिल्कुल। वेंट फॉर सीसी, तो वहां पे एवरीवन एक्सपेक्टेड कि रैंक तो आएगी आईपीसीसी में। सीपीटी में इतना ह्यूज स्कोर था, पर अनफॉर्चुनेटली आईपीसीसी में रैंक नहीं थी। आई स्कोर 434, क्लियर बोथ ग्रुप इन वन सिटिंग, बट रैंक नहीं थी। उसके बाद आई ग्रेट। डिड माय फ्रॉम भोपाल ओनली, फ्रॉम मिड साइज फर्म, आई सो वन डिड नॉट वेंट। पॉइंटर, हाँ, या वन पॉइंटर जो अखिल ने बोला, ही डिड हिज आर्टिकल शिप फ्रॉम अ मिड साइज फर्म, नॉट अ बिग फोर। नॉट अ बिग सो फोर, यहाँ पे आती है पहली लर्निंग कि इतने बड़े पैकेज तक अगर आपको पहुंचना है तो बिग फोर का टैग होना जरूरी नहीं है। यू नहीं। जस्ट नीड टू बी अ कीन लर्नर, आपकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। सो या कंटिन्यू के या सो आर्टिकल तो शिप फ्रॉम अ आर्टिकल मिड शिप आई डिड फ्रॉम मिड साइज फ्रॉम, एंड देन फाइनल ओरिजिनल अटेम्प्ट ऑफ नवंबर 20। ग्रेट। सो नहीं था मेरा अटेम्प्ट ओरिजिनली, आई वाज फॉर नवंबर 20, एंड देयर आई स्कोर्ड AI या 38। माय मार्क्स आर 526 आउट ऑफ 800। सो बढ़िया है। तो इस तरह से मतलब पूरी जर्नी रही। तो डिड यू डू एनी किल या सो तो आर्टिकल शिप फ्रॉम अ आर्टिकल मिड। शिप आई डिड फ्रॉम मिड साइज फर्म, एंड देन फाइनल ओरिजिनल अटेम्प्ट ऑफ नवंबर 20। ग्रेट। सो नहीं था मेरा अटेम्प्ट ओरिजिनली, आई वाज फॉर नवंबर 20, एंड देयर आई स्कोर्ड AI या 38। माय मार्क्स आर 526 आउट ऑफ 800। सो बढ़िया है। तो इस तरह से मतलब पूरी जर्नी रही। तो डिड यू डू एनी रेगुलर कॉलेज, क्योंकि काफी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि हाँ, रेगुलर कॉलेज करना काफी बेनिफिशियल होता है फॉर क्रैकिंग सच इंटरव्यूज। या सो व्हाट आई डिड वाज, जब मैं अभी MDP में था, एंड देयर आई सॉ शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया, क्योंकि 70 लोग सब साथ में थे, तो यू गेट टू नो किसको कितनी शॉर्टलिस्टिंग है, तो किसको किस चीज का बेनिफिट मिल रहा है। तो देयर आई सॉ कि दो चीजों का बहुत बेनिफिट है, रैंकर्स तो सब है ही, उसके बाद बिग फोर का गेट बेनिफिट। देयर इज अ लॉट ऑफ डिबेट आउटसाइड कि बिग फोर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बट व्हाट फ्रॉम शॉर्टलिस्टिंग कि होना ही चाहिए जरूरी नहीं है, पर हो हाँ तो अच्छा है, यू गेट बिल्कुल। बेनिफिट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, देयर इज बेनिफिट। और दूसरी चीज, उसका भी कॉलेज। यू गेट बेनिफिट, हाँ, कॉलेज का, रेगुलर कॉलेज का यू डेफिनेटली गेट बेनिफिट। देयर आर मेनी कंपनीज एंड PSUs, दे प्रेफर रेगुलर कॉलेज ओवर करेस्पोंडेंस। तो कॉरेस्पॉन्डेंस। मेरा बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल से, तो उसका ओके। बेनिफिट ही तो मिला।
सो अगेन रेगुलर कॉलेज होना चाहिए, जरूरी नहीं है तो जो रेगुलर कॉलेज है वो नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर मुंबई की नरसिंह मोहनजी यूनिवर्सिटी, मतलब एनएम कॉलेज या फिर जेवियर्स हो गया, ऐसा भी जरूरी नहीं कि एकदम हॉटशॉट कॉलेज होना चाहिए. इट्स जस्ट दैट कि अगर रेगुलर कॉलेज भी है तो भी द कंपनीज आर एक्सेप्टिंग यू एंड दे डोंट हैव एनी हिंड्रेंस ऑन दैट पार्ट. बट या रेगुलर कॉलेज होना जरूरी है. सो जिन लोगों के मन में ये थोड़ा सा भी डाउट रहता है ना कि कॉलेज के सेकेंड या वन एंड हाफ ईयर में उनका आईपीसीसी क्लियर हो जाता है एंड दे फील लाइक ड्रॉपिंग आउट एंड कंटिन्यूइंग देयर सीए जर्नी स्टार्टिंग विद द आर्टिकलशिप थिंकिंग दैट दे विल सेव ऑन टाइम, अल्टीमेटली यू मे बी सेविंग ऑन योर टाइम बट यू विल बी लूजिंग आउट ऑन योर अपॉर्चुनिटीज. तो उस चीज को कंसिडर करके चलना. सो नाउ ड्रिलिंग डाउन टू द मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो, द महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो प्रोसेस था, हाउ वॉज इट, एक बार लेट अस गो थ्रू इट कि कैसा रहा वो. So I got a call from a placement agency. Hmm. So these guys are hiring for the big companies like Marico and Mahindra. So they asked the application form. उसको पूरा भरना था. The application form में there were few. तो मैंने एक चीज notice करी जो मेरा पहला pointer था कि earlier what we were told कि आपको HR questions interview के लिए prepare करने हैं. पर ऐसा था कि जितने भी forms मैंने भरे, HBIT, HUL, Mahindra, PCG. मैं ऐसा हो गया कि दे आर आस्किंग द क्वेश्चन देन एंड देयर इटसेल्फ कि आपको वहीं उनका जवाब देना है जो प्रॉपर एचआर क्वेश्चंस होते हैं कि वेयर डू यू सी आउट ऑफ 5 इयर्स या टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ या टेल अस अबाउट अ इंस्टेंस वेयर यू शोड लीडरशिप. तो ये सब कुछ तो वो फॉर्म में ही पूछ ले रहे हैं आपसे, इसके बाद इंटरव्यू में उसका फॉलो अप लेंगे. तो वो फॉर्म तो आपसे वहीं भरवा ले रहे हैं. एंड सो पहला स्टेप फॉर्म, पहला स्टेप हो गया प्लेसमेंट एजेंसी से एप्लीकेशन फॉर्म. सबसे पहले तो प्लेसमेंट एजेंसी से आया कॉल कि आप वो रैंकर, सो आप वो एलिजिबल इस पोजीशन के लिए एंड देन अब आपको हम एक फॉर्म दे रहे हैं एंड आपको वो फॉर्म फिल करना है. सो एक चीज और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, आईसीआई अपना कैंपस प्लेसमेंट कराता है बट वो एक सेपरेट चीज है एंड ये जो एक अलग एरिया है ना फॉर द रैंकर्स, दिस इज समथिंग विच इज डिफरेंट एंड जिसको हम प्यार से बोलते हैं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट. सो उस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू ही देर आर वेरियस प्लेसमेंट एजेंसीज जो आपको कॉल करती हैं. जब आपकी रैंक आ जाती है आपका एक बन जाता है व्हाट्सएप ग्रुप, उसी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपको फॉलो अप किया जाता है, आपकी डिटेल्स ली जाती है एंड देन दीज प्लेसमेंट एजेंसीज कॉल यू, दे कॉन्टेक्ट यू. सो आप कह सकते हो अपॉर्चुनिटी चल के आ रही है पर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कैसे करना है वो आपकी इनहेरेंट एबिलिटी होती है. बिल्कुल. सो पहला स्टेप तो रैंक लाने का ये फायदा तो है. तो बाहर डिबेट है कि रैंक से जॉब में फायदा मिलता है, तो नो डाउट मिलता है क्योंकि दरवाजे तो बंद हो जाएंगे अगर आपकी रैंक नहीं होगी. ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब लगेगी ही नहीं या जॉब नहीं, आप कैपेबल नहीं हो, दैट्स नॉट अ क्वेश्चन. पर मिलेगी नहीं मिलेगी दैट इज अ क्वेश्चन जो रैंक लाने से बढ़ जाती है अपॉर्चुनिटी. एग्रीड एग्रीड. सो नेक्स्ट स्टेप आ गया हमारा फॉर्म. फॉर्म हमने भरा. अब फॉर्म फॉर्म के बाद क्या रहा? फॉर्म इज बेसिकली अ रिज्यूमे जिसमें तीन चार क्वेश्चंस हमने ऐड करते हैं जिसके बेसिस पे होती है. तो पहला तो फॉर्म था, उसके बाद देयर वाज साइकोमेट्रिक टेस्ट. ओके, नाउ व्हाट इज अ साइकोमेट्रिक टेस्ट? मतलब अगर साइकोमेट्रिक टेस्ट में दे टेस्ट योर बिहेवियर और मार्केट में बहुत ये बातें चलती हैं कि साइकोमेट्रिक के लिए नीड टू प्रिपेयर, देयर बी वेरी नीड टू प्रिपेयर फॉर साइकोमेट्रिक, विल जस्ट आस्क यू एंड यू गेट टू नो हु यू आर. सो वो क्वेश्चन होते हैं कि यू हैव टू आंसर उसी समय, यू डोंट हैव टू. अगर आप वही क्वेश्चन दो मिनट बाद सोच के दोगे तो उसका आंसर कुछ और दोगे. फिर यू विल, यू डोंट हैव टू थिंक कि क्या सही है क्या गलत है. यू जस्ट हैव क्लियर एंड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आप सिचुएशन में क्या करोगे. बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि आप इंटरव्यू में होता है, अगर आप यहाँ पे सही के चक्कर में गलत जवाब दोगे जो नहीं हो, हाँ, और उसका जब इंटरव्यू में फॉलो अप होगा क्योंकि वहां पे जब टॉप के लोग बैठे हैं, बिल्कुल, तो 10 साल हैं, और जब वो फॉलो अप लेंगे तो वो आसानी से पकड़ लेंगे कि आपने उस टाइम पे गलत जवाब दिया था. सो यहाँ पे हमने एक और लर्निंग ली, बी ऑनेस्ट, बी सिंसियर. और अब मैं ये बात बताता हूँ कि देखो आप, यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ. आपको पता है कि भाई आप थोड़े तो रैशनल डिसीजन लोगे जब आपके सामने रियल लाइफ सिचुएशंस आएंगी. तो वहां पे वो क्वेश्चन भी इसी तरह से पूछते हैं कि आपको फोर पॉइंटर्स दिए हुए होंगे, विच इज द बेस्ट थिंग दैट डिफाइंस योर सेल्फ, दैट डिफाइंस यू, एंड उसको आप रैंक करो 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4. मतलब सारे इसी तरह के पर्सनैलिटी ट्रेट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. सो अल्टीमेटली अगर आप वहां पे अगर झूठ बोलोगे ना, वो इंटरव्यू में पकड़ लेंगे कि भाई ये बंदा हिपोक्रेट है, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है, या कंपनी में आके भी जब इसके माइंड में स्टेबिलिटी नहीं है, कंपनी में अच्छे काम करे कैसे पाएगा.
सो दैट इज द थिंग दैट दे आर टेस्टिंग एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट जितना मुझे अभी तक पता है कभी भी किसी कंपनी का एलिमिनेटिव नहीं होता. इट इज नॉट अ एलिमिनेशन ग्राउंड कि मैं एक कैंडिडेट को हटा रहा हूँ जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट. सो ठीक है, साइकोमेट्रिक टेस्ट के बाद हमारा जीडी आया. साइकोमेट्रिक के बाद जीडी आया. ओके, सो प्री प्लेसमेंट टॉक कहाँ गई, जहां पे कंपनी आके ये 26 लाख का बैनर लगा के हमारे सामने जाती है कि भाई ये सब होगा, वो कब हुई? अब हुआ ये था कि प्री प्लेसमेंट टॉक जब थी तो तब मैं था एमडी में और मैं वो अटेंड नहीं कर पाया था. अभी नहीं है, अब अखिल ने अभी नहीं है कंपनी में जगह बना ली बट प्री प्लेसमेंट टॉक में नहीं था. तो ये बात बतानी वैसे किसी को नहीं है बट पॉइंट यही है कि प्री प्लेसमेंट टॉक से यू जस्ट गेट इनसाइट्स अबाउट द कंपनी एंड देयर कैन बी सर्कमस्टेंसेस इन वेयर इन यू आर नॉट एबल टू अटेंड द सेम. अब अगर मैं बात करूं जिस कंपनी में मेरी प्लेसमेंट हुई है, जो मैं आगे आने वाली वीडियो में बात करूंगा, मैंने भी उसकी पीपीटी अटेंड नहीं की थी. तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये लकी होता है पीपीटी उसकी ना अटेंड करना, तो आपको उसमें अच्छी जगह मिल जाती है. हम बिल्कुल एडवोकेट नहीं कर रहे हैं कि आपको पीपीटी अटेंड नहीं करनी चाहिए. You need to understand your job profile. Agreed. But नहीं, मतलब अगर कोई genuine concern है तो नहीं करोगे तो that's not a major issue. आपने कोई क्राइम नहीं किया basically. ठीक है. तो साइकोमेट्रिक टेस्ट के बाद आ जाता है हमारा जीडी, जहाँ पे मैं बाहर हो गया और अखिल आगे बढ़ गया. तो जीडी कैसा रहा था? तो जीडी इस बार था कि जीडी में जब आप पहले बहुत सुनते हो जीडी प्रिपरेशन सेशंस में कि यू नीड टू कंक्लूड इंट्रोड्यूस, तो इस बार क्योंकि जीडी सारे ऑनलाइन थे, सब ओवर माइक्रोसॉफ्ट टीम पे थे, तो दे हैव सेट अ ब्रॉड गाइडलाइन कि जीडी कैसे कराना है, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत हॉचपॉच तो होगा. दैट्स अ फैक्ट. क्या हो रहा है कि दे आर गिविंग स्पेसिफिक टाइम टू स्पेसिफिक कैंडिडेट्स. यू नीड टू इंट्रोड्यूस टॉपिक, यू गेट 1 मिनट, इसमें आपको इंट्रोड्यूस करना है. उसके बाद देयर वुड बी अ जीडी, प्रॉपर जीडी 10 मिनट का, क्योंकि एवरीवन टाइम टू कंक्लूड. एग्रीड. ऐसा नहीं करना कि आप लड़ रहे हो कि कौन इंट्रोड्यूस करेगा या आखिरी में कौन कंक्लूड. एक फिजिकल जीडी में होता है, तो यहाँ पे ये एक क्राइटेरिया अच्छा है कि एवरीवन गेट्स टाइम और उसका ऑर्डर भी दे सिलेक्ट बिफोर हैंड, डोंट हैव टू मेस अराउंड देयर. श्योर. ये तो और जीडी में, अब मेरे जीडी से मैंने दो चीजें सीखी. क्योंकि ये एक तो वर्चुअल है, यू नीड टू अंडरस्टैंड टेक्निकलिटी. मेरे जीडी में एक बंदी थी जिसका माइक 10 मिनट बंद था. ओह, पार्ट इन जीडी म्यूटेड. ग्रेट. और वहां पे कोई भगवान का भेजा हुआ बंदा नहीं है जो उसको बताएगा कि तेरा माइक ऑफ है, चालू कर ले. बिल्कुल. कॉम्पिटिशन. तो एक चीज़ मैंने ये सीखी कि अपना माइक कैमरा पहले चेक कर दो. अपना माइक कैमरा इंटरनेट कनेक्शन, तीनों चीजें आपकी सब कुछ टिप टॉप होनी चाहिए और आप खुद भी टिप टॉप होने चाहिए, क्योंकि भाई आप सामने बैठे हो तो प्रेजेंटेबल फॉर्म में. बिल्कुल. अगर खुद भी टिप टॉप हो पर ये सब बंद है तो कोई पता भी नहीं लगा पाएगा कि आप टिप टॉप. बिल्कुल. तो बंदी थी जिसका माइक ऑफ था, तो सीधा सीधा बाहर हो गई. बिल्कुल. और दूसरा नोटिस करी कि जो इंट्रोड्यूस तो सबने अपने अपने हिसाब से किया, तो जब प्रॉपर जीडी वाला पोर्शन था, हाँ, तो उसमें कोशिश मत करो कि आप हाईजैक करके ले जाओ. ओके. अगर आप 10 मिनट से 6 मिनट भी बोलोगे बहुत एग्रेसिव होके, तो हाई चांस का नहीं होगा. और ऐसा मेरे था जिसका नहीं हुआ. ओ. तो यू डोंट हैव टू बी मच एग्रेसिव. ये टीम एफर्ट है, तो मेक इट अ टीम एफर्ट. देख रहे हैं कि कैसा आपके व्यूज अलग हैं, but how you are managing team, how you are being a part of the team is more important. Agreed. ऐसा नहीं 10 मिनट भी आप बोल लोगे तो हो सकता है आपका नहीं. बिल्कुल सही बात है. तो जो काफी एडवाइसेस मिलते हैं कि लोगों की बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करो, काटो, तो उसका डोंट हैव टू बी एग्रेसिव, यू डोंट हैव टू बी रूड. रूड. तो 10 मिनट में यू हैव टू बी हम्बल, यू हैव टू बी अ पार्ट एंड यू हैव टू मेक द टीम एफर्ट लुक गुड. Agreed. कि जो जीडी निकल के आ रहा है वो अच्छा होना चाहिए. ठीक है अखिल, मेरा बस एक क्वेश्चन है, क्या जीडी के लिए कुछ प्रिपेयर करना चाहिए? जीडी के लिए प्रिपेयर, अब ऐसा हो सकता है कि आप कुछ जनरल नॉलेज प्रिपेयर करके जाओ, करंट अफेयर प्रिपेयर करके जाओ और वहां पे कोई एक्स्ट्रा टॉपिक मिल जाए. हाँ, तो आप प्रिपेयर कुछ नहीं, फायदा नहीं है तब तो आपकी. तो ऐसा नहीं है, तो करंट अफेयर्स तो आपको प्रिपेयर करना ही है. और सीए स्टूडेंट तो होता ही है कि आर्टिकलशिप के टाइम पे हमारे करंट अफेयर जीरो हो जाते हैं. बिल्कुल. क्योंकि हम क्लाइंट नहीं आ पा रहे. हाँ. तो आफ्टर रिजल्ट व्हाट यू कैन डू इज रीड न्यूज़पेपर्स, लिसन टू पॉडकास्ट, तो उसका बेनिफिट मिलेगा. ऑफ कोर्स मिलेगा. जो भी करंट पॉलिसीज हैं, लॉज हैं, उन सबके बारे में पढ़ के जाओ. अगर आपकी किस्मत रही तो मिल सकता है. काफी लोगों को फार्म लॉस मिला भी था जीडी में टॉपिक. सही बात है. क्या एक तरीका ये है कि यू कैन लिसन टू पॉडकास्ट, क्योंकि वहाँ बोलना जरूरी है. अगर टॉपिक्स आप विलवर्ट नहीं भी हो, तो अगर कोई और वो बोलेगा तो आप उस पर अपने व्यूज दे पाओगे.
सही बात है, ऐसा जरूरी नहीं कि टॉपिक से एकदम इन डेप्थ आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए और आप कुछ तो प्रेजेंट कर पाओ उस चीज पे। एग्री। तो जीडी का मेरे को लगता है कि अगर आपको नहीं भी आता ऐसे टॉपिक करो जिसका बाकी लोग फॉलो अप ले पाए, कुछ बहुत बहुत जेनेरिक भी नहीं और बहुत टॉप ऑफ द लाइन भी नहीं, तो क्योंकि एफर्ट है, तो आपके पॉइंट को अगर फॉलो अप मिलता है, उस पर डिस्कशन होता है, तो कहीं ना कहीं वो आपके अगर आपको लग रहा है आप कुछ बहुत ऑफ द लाइन बोल पाओ जिसका कोई फॉलो अप नहीं ले पाए, तो वो जरूरी सिलेक्शन इंश्योर करेगा। एग्रीड। क्योंकि उस बात नहीं होगा और एकदम आप आउट ऑफ द ग्रुप हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो ठीक है, हमारी बस यही लर्निंग है जीडी में। ऑफ कोर्स ही बात है जो अखिल ने बोला कि क्योंकि अभी कोरोना का टाइम है, ऑनलाइन जीडीज हो रहे हैं, तो आपको प्रॉपर टाइम दिया जा रहा है टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक, टू कंक्लूड द टॉपिक, एंड वो काफी सही है। तीसरी चीज जो अखिल ने बोली कि जरूरी नहीं है जो 10 मिनट में से 6 मिनट बोल रहा उसी का सिलेक्शन हो। अगर आप ग्रुप को एक फ्लो दे रहे हो स्टार्टिंग में इनिशिएट करके, ऑफ कोर्स दैट विल हेल्प, बट आपको ओवरपावर नहीं करना बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप एक्टिविटी। सो एवरीबॉडी शुड बी गिवन अ चांस एंड देयर शुड बी अ कॉर्डियल एटमॉस्फेयर जहां पे सबके व्यूज आ सके। एग्रीड। एंड देन यू हैव टू बी हम्बल, यू हैव टू बी पोलाइट। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को रोक रहे हो, काट रहे हो, टोक रहे हो और फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर रहे हो। अल्टीमेटली अच्छा नहीं लगेगा द वन हु इज जजिंग यू। सो और तीसरी लास्ट चीज जो मैं बोलूंगा कि जरूरी नहीं है कि आपको उस टॉपिक के बारे में पता ही होना चाहिए, इट्स बेटर यू रीड इट। काफी टॉपिक्स होते हैं जो हॉट टॉपिक्स जिनको हम बोलते हैं। सो जैसे हमारे टाइम पे था कि फार्मर लॉज के ऊपर जो डिस्कशन चल रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो इम्पोर्टेंट था। दूसरा जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीछे पैकेजेस लेके आए थे, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये सारे। देन गवर्नमेंट का एक 4 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है 2025, इस तरह के टॉपिक्स बहुत ज्यादा जेनरिक और जनरल। अब बजट 2021 क्योंकि हमारे जस्ट पहले बजट आया है, सो उससे रिलेटेड न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, सो इन सब चीजों के बारे में अगर आपको पता होगा तो अल्टीमेटली दे विल हेल्प यू इन योर जीडी। एंड ऐसा कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं कि आप जीडी क्लियर कर दो, अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, योर एबिलिटी टू पुट फॉरवर्ड योर वर्ड्स एंड योर ओन पर्सनैलिटी द वे यू आर। सो जीडी के बाद मुझे जितना पता है काफी नेक्स्ट लेवल शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी। सो अल्टीमेटली इंटरव्यू तक कितने लोग पहुंचे थे? इंटरव्यू तक आई गेस अराउंड 20-25 लोग पहुंचे थे। सो 20-25 लोग इंटरव्यू तक पहुंच गए। ओके, सो महिंद्रा का प्रोसेस में मान के चल रहा हूँ क्योंकि इट वाज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज जिसके लिए लोग बैठते हैं। सो मान लेते हैं अगर 100 रैंकर है, 100 रैंकर बैठे तो 74-75 लोग तो वैसे ही छट चुके हैं। और 20-25 में से उन्होंने सिलेक्ट करने होंगे, वो चलो अभी आते हैं उस चीज पे। सो इंटरव्यू की अगर बात करूँ तो मुझे पता है कि इंटरव्यू काफी, मतलब मेरे दोस्तों ने भी दिया था एंड अल्टीमेटली सबका ये था यार थोड़ा सा स्ट्रेसफुल था, काफी उन्होंने क्या कहेंगे परेशान किया इंटरव्यू में, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे एंड अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ द पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड। एंड मुझे पता है मैं अखिल से लंच पे मिला था, ये मतलब अपना मस्त बुफे की प्लेट सजा रहा था और मैंने बात की इससे कि भाई इंटरव्यू, मैं सुन रहा था कि भाई इंटरव्यू का कैसा रहा, कैसा कह रहा मेरा तो बड़ा चिल इंटरव्यू था, ये था, मजे थे। तो अखिल भाई एक बात बताओ, इंटरव्यू था क्या एक्चुअल में? तब हुआ ये कि जब जीडी देके मैं बाहर आया रूम से, तो एक तो एमडीपी में वहां थे तो यू नो कि आज सबका जीडी है क्योंकि एकदम सन्नाटा है। तो जब मैं जीडी लेके लौट, सब बाहर निकले थे अपने अपने रूम से बाहर आए, तो डिस्कशन चल रहा था कि जीडी कैसा रहा। तो उसी गॉट अ कॉल कि यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। ग्रेट। तो मैंने उनसे पूछा कि इंटरव्यू है कब? उन्होंने बोला इंटरव्यू 5 मिनट बाद ही है। ओ भाई साहब 5 मिनट। द पैनलिस्ट्स आर वेटिंग। मैं अपना लैपटॉप शट डाउन करके आ रखा हूँ, बाहर आ गया हूँ लेक्चर में, अब इंटरव्यू तो लंच के बाद ही होंगे। मेरे को कॉल आया कि 5 मिनट बाद इंटरव्यू, तो पैनलिस्ट मीटिंग जल्दी ज्वाइन करो, लिंक हमने आपको मेल कर दिया। बिल्कुल। तो मैं वापस अपने रूम में भागा, लैपटॉप चालू करा, इंटरव्यू को स्टार्ट किया। तो इस में हुआ क्या कि क्योंकि मुझको टाइम नहीं मिला। सही बात है। सोच नहीं पाया। हाँ बिल्कुल टाइम मिला ही नहीं, जीडी खत्म हुआ 5 मिनट बाद इंटरव्यू। तो मैं कुछ सोच ही नहीं पाया कि इंटरव्यू के लिए कुछ और प्रिपेयर करना है नहीं करना है।
तो इससे फायदा है कि बिल्कुल स्ट्रेस लेने का टाइम ही नहीं मिला। सही बात है, नेचुरल था वहां पे, बहुत नेचुरल था। और जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो मेरा इंटरव्यू बहुत एचआर बेस्ड था, टेक्निकल पोर्शन था और एचआर बेस्ड इंटरव्यू ज्यादा था मेरा। ग्रेट, एमडीपी का बहुत फायदा मिला क्योंकि जब एमडीपी के जो सेशन थे ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, ऑन क्राइसिस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो क्योंकि एचआर में भी उन्हें क्वेश्चंस तो यही सारे थे, बिल्कुल तो लर्निंग से, और वो मैंने यहाँ उतार दी। बहुत ही बढ़िया, यहाँ से उठाया, यहाँ डाला और मस्त यहाँ डाला अपना। तो वो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ जरूरी था कि आप कौन सा टॉपिक, कौन सा पॉइंट कहाँ अपने आंसर्स में रिलेट कर पा रहे। सही बात, और सामने वाले को भी लगेगा कि दिस पर्सन इज अ लर्नेड पर्सन। एग्रीड, हाँ कि भाई काफी सोची समझी बढ़िया बातें कर रहा है ये, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो सही है काफी। तो किस तरह के क्वेश्चंस थे अगर मैं बात करूं तो? तो क्वेश्चंस जैसे पहला क्वेश्चन था कि व्हाट आई डिड डिफरेंटली टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फोर एंड हाफ इयर्स व्हाइल अदर्स आर टेकिंग अराउंड 6 एंड 7 इयर्स और जिनके अटेम्प्ट लग रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये था कि व्हाई डू यू थिंक यू आर एबल टू क्लियर सीए विद अ रैंक इन जस्ट 4.5 इयर्स। ये तो फिर फोर्टे का ही क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। हाँ, तो मैंने तो उनको यही बोला कि एफानी का वीडियो देख लो जाकर। अच्छा, क्या बात है। सच बताओ, ये तो बोल ही नहीं सकता। हाँ, नहीं तो आई टोल्ड अबाउट माय प्लानिंग, अबाउट द स्ट्रेटजी, अबाउट हाउ यू टेक अप वन सब्जेक्ट एट अ टाइम, और मॉक का क्या रिलेवेंस रहता है, फ्लो समझना प्री एग्जाम्स का। तो आई टोल्ड देम एवरीथिंग दैट आई डिड, सो उसमें देन दे फॉलोड अप दैट। You use words like planning strategy interchangeably. So does planning strategy mean the same? Same. तो ये चीज हमको बताई थी। तो then so एक बहुत generic, तो मेरा interview experience ये था कि एक बहुत generic question ये पूछते हैं जिसपे फिर वो technicals पे बहुत follow up लेते हैं। हाँ। So one of the questions for me was कि you seem a very logical person based on your psychometrics and your application form. So in a decision making situation, will you take decision based on your logic or based on your intuition? Huh. If logic, then why? If intuition, then why? Then why? So answer ke I would take a logical decision. Logical decision. Nah. Intuition to kya? That will help. Huh. Because that will help me to take a decision with a more calmer mind. जब मैं decision लूँगा तो मेरे back of the mind बहुत stress रहेगा। उसमें हो सकता है decision बाकी लोगों को समझा नहीं पाऊँ। अगर मैं तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन रहेगी उस डिसीजन को बैक करने के लिए, उसको बाकी लोगों को, क्योंकि जहां इम्प्लीमेंट करना है वहां लोगों को उस डिसीजन को समझना जरूरी है। बिल्कुल, इस जेनेरिक क्वेश्चन का उन्होंने बहुत फॉलोअप लिया, तो अराउंड 10 मिनट्स इसी का फॉलोअप चला कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस, ओके, व्हाट डू यू डू इन दिस सिचुएशन, व्हाट वुड यू डू इन दैट सिचुएशन, फिर सिचुएशन का ये जवाब दिया तो पहली सिचुएशन का ये क्यों जवाब दिया था। आपके जो थॉट्स हैं वो क्लियर हैं और स्ट्रक्चर्ड हैं। बिल्कुल, एक साइकोमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू भी आता है क्योंकि अब यहाँ पे ये सिचुएशंस पूछ रहे हैं जो ये ऑलरेडी एक बार साइकोमेट्रिक में पूछ चुके हैं। हाँ। तो आप अपने को कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे साइकोमेट्रिक में झूठ नहीं बोलना है, साइकोमेट्रिक में ऐसा नहीं कि एक्सट्रीम सच बोलना है। लॉजिकल सच बोलना है और यहाँ पे इंटरव्यू में भी वही बोलना है। क्योंकि जब आप एक दो आंसर तो बना लोगे, जब वो फॉलो आता जाएगा फिर तो जो सबकॉन्शियसली सच होगा वही बाहर आएगा मुझसे। सही बात है, एग्रीड। कहीं ना कहीं फिर आप अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर जाओगे, साइकोमेट्रिक में तो दुनिया भर का टाइम लेके उसको कर लोगे। बिल्कुल, यार ये पूरा सजा दोगे, इंटरव्यू में ये नहीं कर पाओगे। एग्रीड, completely agree. Questions on Indies. So consolidation पे दो तीन क्वेश्चन थे, इन्वेस्टमेंट्स पे दो तीन क्वेश्चन थे, और फिर तो सबका फेवरेट क्वेश्चन कि why do you want to join this company? उसके लिए you have a detailed research about the company. वो 5 मिनट में कैसे की? या उससे पहले? तो एक रात पहले कर रखी थी। तो उसका एक NDP में there was a professor Salwan, so he told a very beautiful लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट, उसमें आप ये पढ़नी है।
बैलेंस शीट पीएनएल तो आप पढ़ी लोगे, वो तो आपको आती है, तो दैट इज वन थिंग। आपको उन्होंने ये बोला था कि ये सिर्फ चार्टर्ड्स को समझते हैं, हमें तो समझती भी नहीं है, तो ये आप देख ली। फर्स्ट थिंग यू नीड टू स्टडी इज चेयरमैन लेटर, वेरी इंपॉर्टेंट, इट टेल्स यू अबाउट द विजन ऑफ द कंपनी। सेकंड थिंग इज मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, जो हम सिर्फ एलओडी रहते एलओडीआर में, हाँ तो वहां आपको पढ़ना है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। और थर्ड थिंग इज रिस्क डिस्क्लोजर्स, रिस्क डिस्क्लोजर्स, पता नहीं रिस्क डिस्क्लोजर्स, ओके, जो रिस्क और कंट्रोल्स लिखे हुए होते हैं। तो उन्होंने बोला ये तीन चीजें यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कंपनी की पॉलिसीज क्या है, कंपनी फ्यूचर में अपने आप को कहां देख रही है, और हाउ एबल टू लिंक विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज। बिल्कुल। तो जैसे मैंने जब महिंद्रा के एनुअल रिपोर्ट में ये सब चीजें पढ़ी, तो आई वाज एबल टू फिगर आउट कि हाँ ईवीज के लिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए इनकी क्या स्ट्रेटेजी है आगे, गवर्नमेंट से क्या लिंकेज है, विच आई टोल्ड देम इन द इंटरव्यू, एंड दैट वाज इंप्रेसिव। सही है। तो वो उन प्रोफेसर के एडवाइस बहुत काम आई, और ये इनफैक्ट सबको काम आई कि अगर आपको आधे घंटे बाद भी देना है तो ये पढ़ी लो। बिल्कुल। तो चेयरमैन मैसेज हो गया, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस हो गया, और जो रिस्क कंपनी आइडेंटिफाई करके रिस्क डिस्क्लोजर्स वो कर लो। एंड फाइनेंशियल्स का भी ऐसा नहीं कि आपको पूरा ऊपर से नीचे तक टॉप टू बॉटम लाइन सब पता होना चाहिए, यू शुड बी जस्ट हैविंग अ ब्रीफ अबाउट द, ठीक है, कंपनी का एबिटा क्या है, प्रॉफिट क्या है, रेवेन्यू फिगर क्या है, एंड ग्रोथ क्या है। और एक चीज और मैंने जो देखी थी वो ये थी कि, चलो वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, वो भी एक मजेदार बात है कि, चलो एक ब्रीफ देता हूँ कि हमें एनुअल रिपोर्ट से पिछला पता चलता है, बट करंट क्या सिनेरियो चल रहा है वो आपको पता चलेगा जो कंपनी ने अभी लेटेस्ट हमारे टाइम पे जैसे Q3 की अर्निंग्स डिस्क्लोज की थी। सो हाँ, वो जो रिजल्ट्स आते हैं उनसे आपको पता चलता है कि कंपनी में लेटेस्ट क्या चल रहा है। वो लेटेस्ट समझने के लिए भी कुछ अच्छे सोर्सेज हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो अखिल, तो इस तरह से हमारा टेक्निकल और एचआर कंप्लीट हो गया, एंड टेक्निकल में डिस्कस्ड कि कंपनी के बारे में आपको पता होगा तभी आप बता पाओगे कि कंपनी क्यों ज्वाइन करनी है, क्यों ज्वाइन करनी है। एंड दूसरा आपने कहा कि इंडिया से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, प्लस उन्होंने एचआर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे, कीपिंग यू इन डिफरेंट सिनेरियोस एंड चेकिंग आउट योर थॉट प्रोसेस कि भाई ये बंदा स्ट्रेसफुल और टेंशन में तो नहीं आ जाता, ऐसे झटपट आ जाता अगर इसको अलग अलग सिचुएशन में एक साथ डाल दो। सो ही हैज अ स्ट्रक्चर्ड थॉट प्रोसेस जो इसको कहीं से भी किसी भी सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है, एंड वो ही एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनाता है मेरे हिसाब से कंपनी के लिए, जो कि बन के निकले एंड अल्टीमेटली महिंद्रा हो गया। सो व्हाट वाज द कंक्लूजन ऑफ द इंटरव्यू इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु वर सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब? सो अराउंड टोटल अ नंबर ऑफ 6 पीपल वर सिलेक्टेड। ओके, 6 टोटल 6 पीपल सिलेक्टेड, 2 वर फ्रॉम एमडीपी, 4 बाहर से थे, टोटल 6 एंकर्स वर सिलेक्टेड। ओके, हुआ ये कि जब इंटरव्यू वगैरह हो गया तो आई वाज लाइक अब लंच पे मिलेंगे, तो लंच वंच हो गया, उसके बाद 2:30 बजे आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम द प्लेसमेंट एजेंसी कि कांग्रेस आर शॉर्टलिस्टेड एंड व्हाट वुड यू बी प्रेफरिंग, व्हाट, सो आई आस्क्ड व्हाट सेक्टर वुड यू बी वर्किंग फॉर। अच्छा, सेक्टर, ओके, महिंद्रा इज इन वेरियस सेक्टर, सो व्हाट इंडस्ट्री और सेक्टर वुड योर प्रेफरेंस बी। तो तब एक और राउंड ऑफ इंटरव्यू है कि दिस इज फाइनल, क्योंकि तब तक इंटरव्यू चल रहे थे, अभी इंटरव्यू खत्म नहीं, खत्म होने से पहले तो कॉल नहीं आ सकता। तो तब दे डिडंट क्लियर, दे जस्ट सेड कि हम बताएंगे आपको अभी, बस ठीक है। तो फिर तो तब से वो 1.5 घंटा बहुत वो था कि यार हुआ है नहीं हुआ है, माइंड में लगातार चल रही होगी, सही बात, कि यार इसके बाद एक और राउंड तो नहीं है, अब ये था कि क्लैरिटी दो यार, क्लैरिटी दो। उनका कॉल आया कि कांग्रेचुलेशंस, इंटरव्यू आर ओवर एंड यू आर सिलेक्टेड। ग्रेट, बस वो फीलिंग थी। थैंक यू सो मच। तो लाइक अब इस वीडियो को एंड करते हुए, अब आपको लग रहा होगा कि सीए फाइनल में रैंक भी आ गई, जॉब भी लग गई, तो जहां से हमने वीडियो को स्टार्ट किया था वहीं पे लेके चलते हैं। अब और क्या, तो और क्या सोचा आपने कि आगे कुछ और कुछ करना है, या फिर अभी इस जॉब को अभी तो यही है कि अभी इस पे ही फोकस करना है, पहला कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, देखना है कैसा क्या रहता है। तो अभी इमीडिएट फ्यूचर में तो अभी इमीडिएट कुछ नहीं सोचे हैं, पर सोचेंगे जरूर। सोचेंगे, अरे इमीडिएट कुछ नहीं सोचे मुन्ना भैया, मुन्ना भैया, हाँ, तो अभी तो यही फोकस करना है, बाकी देखना है आगे कैसा क्या चलता है, सीन क्या रहता है। बिल्कुल, आई थिंक काफी मजेदार रहा,
पूरा ये जो हमारा डिस्कशन था हमने हंसी मजाक में पूरा का पूरा एक बड़ी कंपनी का पूरा प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिया, हमने बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया, कई क्लेरिफिकेशंस दे दी जो मुझे लगता है काफी बच्चों को हेल्प करेंगी जिनके मन में थोड़ी एंजाइटी रहती है कि बिग फोर से आर्टिकलशिप नहीं हुई, अच्छा कॉलेज नहीं हुआ। एंड अल्टीमेटली यार बंदा मैटर करता है, आप कहीं से कुछ भी करो, आपकी जो थॉट प्रोसेस है और आपका जो पर्सनैलिटी है ना वो कहीं से भी कुछ भी करोगे वो निखर के आएगा ही आएगा अगर आपने ठान रखी है कि भाई मुझे कुछ करके दिखाना है। सो जब आप ऐसी सोच के साथ चलते हो तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता एंड अल्टीमेटली यू आर सक्सेसफुल। सो अखिल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस फॉर द फर्स्ट सेशन ऑफ अब और क्या। सो देखते हैं अब और क्या क्या होता है इस सीरीज में एंड अल्टीमेटली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। एंड हमारा एक ही एम है इस पूरी सीरीज को करने का एंड आई थिंक अखिल विल ऑल्सो एग्री विद मी कि अगर किसी बच्चे को जो फाउंडेशन या इंटर में है कोई इस तरह की एक हल्की सी किरण दिखा देना आशा की भाई इतनी बड़ी जॉब लग सकती है, वो अपने एफर्ट्स में ना कोई कमी नहीं छोड़ेगा, ये इंश्योर करेगा कि मैं अपना बेस्ट दूं। एंड यही एम है सीरीज का, टू इंस्पायर यू ऑल टू गिव योर बेस्ट एंड अल्टीमेटली इट्स ऑल फन। अखिल भी बैठा है, मैं भी बैठा हूँ, हम दोनों बिल्कुल भी तनाव में नहीं है, हम दोनों बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं है, बिल्कुल मजे में है। सो वो चीज है कि लर्निंग भी करो, फन भी रखो एंड अल्टीमेटली यू विल रीच योर गोल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे कनेक्टेड। अखिल के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना, अखिल ने अपना इतना कीमती समय निकाला है एंड बढ़िया अपने थॉट्स शेयर करे हैं, अल्टीमेटली काफी अच्छा रहा है। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद अदर्स टू स्प्रेड दिस लर्निंग एंड हैप्पीनेस। थैंक यू।